नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आरओ मुख्य परीक्षा हो या पीसीएस मुख्य परीक्षा हो या इस स्तर की जो भी परीक्षाएं हैं, उनमें आप देखेंगे कि पत्र लेखन अपने आप में एक महत्वपूर्ण खंड है, और उसमें भी जो अधिसूचना है या नोटिफिकेशन, उस पर हर हाल में प्रश्न आता ही आता है। इसके पीछे कुछ कारण है कि क्यों अधिसूचना से ही प्रश्न बनता है। एक तो आप लोग जो अधिकारी बनने जा रहे हैं, राजपत्रित अधिकारी, तो आप लोगों के लिए जो पत्र जारी किया जाता है वो अधिसूचना ही है, नोटिफिकेशन। आप आईएएस का जो फॉर्म भरते हैं या फिर पीसीएस के लिए आप आवेदन पत्र जमा करते हैं, तो इन आवेदनों के लिए या ये जो वैकेंसीज हैं, ये जो रिक्तियां हैं, इनके लिए जो भी पत्र जारी किया जाता है, यानी जो सूचना आती है, वास्तव में वही अधिसूचना है। लेकिन अधिसूचना के कई रूप प्रारूप हैं। दोस्तों, यह माना गया कि अधिसूचना चार रूपों में प्रसारित होती है। सबसे पहली बात तो यह कि किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, उसकी पदोन्नति, उसका स्थानांतरण, उसकी सेवानिवृत्ति आदि से संबंधित मामले भी अधिसूचना के नाम से प्रकाशित किए जाते हैं। दोस्तों, अधिसूचना के रूप में जो दूसरी बात प्रकाशित होती है वह है राष्ट्रीय आपात को लेकर के, यानी राष्ट्रीय आपात के मामले भी अधिसूचना नामक सरकारी या कार्यालयीय पत्र के द्वारा भी प्रकाशित किए जाते हैं। दोस्तों, जो तीसरी बात है कि कोई अधिनियम यदि पारित किया जाए, यानी कोई एक्ट पारित हो, तो उस अधिनियम की सूचना भी दोस्तों अधिसूचना या नोटिफिकेशन नामक समाचार पत्र के माध्यम से ही प्रकाशित किया जाता है। और जो चौथी बात है, राष्ट्रीय शोक, यानी राष्ट्रपति वगैरह की यदि मृत्यु हो जाए, राज्यपाल वगैरह की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी घटनाओं की या दुर्घटनाओं की जानकारी भी अधिसूचना के रूप में ही प्रकाशित की जाती है। मतलब अधिसूचना सरकारी पत्र का या सरकारी सूचना का वह अंग है, वह प्रारूप है, जिसके माध्यम से किसी राजपत्रित गजटेड अधिकारी की नियुक्ति, उसकी प्रतिनियुक्ति, उसकी पदोन्नति जिसको प्रमोशन कहते हैं, उसका स्थानांतरण जिसे ट्रांसफर कहते हैं, उसकी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट से संबंधित मामले अधिसूचना में प्रकाशित किए जाते हैं। अधिसूचना सरकारी पत्र का वह अंग या हिस्सा है जिसमें राष्ट्रीय आपात की सूचना दी जाती है। अधिसूचना सरकारी पत्र का वह अंग है जिसमें राष्ट्रीय शोक की सूचना दी जाती है, या फिर कोई अधिनियम यदि पारित हो जाए, कोई प्रस्ताव पारित हो करके अधिनियम बन जाए, तो उसकी सूचना भी जिस माध्यम से प्रसारित करते हैं उसे अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना सरकारी पत्र का या पत्र लेखन का या कार्यालयीय पत्र का वह रूप है जिसके माध्यम से ये चार बातें प्रकाशित होती हैं। दोस्तों, सरकारी जितनी भी सूचनाएं हैं या कार्यालयीय जितनी भी सूचनाएं हैं, सरकारी विभागों की सूचनाएं या शासनादेश है या भारत सरकार या राज्य सरकार की जो भी सूचनाएं हैं, उनको जहां कहीं से प्रकाशित करते हैं या आम जनता के लिए उन बातों को जहाँ कहीं से आदमी प्रचारित प्रसारित करे, सरकारी तंत्र वही कार्यालयीय या सरकारी पत्र है। किंतु बाकी जो सूचनाएं हैं वो किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित कर दी जाती हैं। एकमात्र अधिसूचना ऐसी है, यानी ये मामले ऐसे हैं जो अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित होते हैं, और यह अधिसूचना हर हाल में दोस्तों राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित होती है।
राजपत्र को गजट कहते हैं। गजट के या राजपत्र के दो भाग किए जाते हैं, एक भारत का राजपत्र यानी गजट ऑफ इंडिया और दूसरा राज्य का राजपत्र यानी गजट ऑफ स्टेट। इसका अर्थ है कि अधिसूचना हर हाल में ऐसे ही मामलों को लेकर के प्रकाशित की जाती है। दूसरी बात, अधिसूचना हर हाल में राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं और राजपत्र के दो खंड किए गए, भारत का राजपत्र गजट ऑफ इंडिया और राज्य का राजपत्र यानी गजट ऑफ स्टेट। दोस्तों, चाहे भारत का राजपत्र हो चाहे वह राज्य का राजपत्र हो, किसी भी राजपत्र के चार भाग माने गए। यानी कि कोई भी सूचना, जैसे इस प्रकार की सूचनाएं किस भाग में प्रकाशित होंगी, यह नियम बनाया गया है, यह प्रावधान किया गया है कि कौन सी सूचना किस भाग में प्रकाशित होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रत्येक भाग में यानी एक एक भाग के चार चार उपभाग या अनुभाग भी हैं। बात समझिएगा कि राजपत्र के चार भाग हैं और प्रत्येक भाग के चार अनुभाग या उपभाग हैं, अर्थात राजपत्र में कुल 16 उपभाग या अनुभाग होते हैं। जब भी कोई अधिसूचना जारी की जाती है तो राजपत्र के माध्यम से इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि वह जो अधिसूचना है राजपत्र के किस भाग के किस अनुभाग में प्रकाशित है, यानी किस भाग के किस अनुभाग का मामला है, तो ही जा कर के अधिसूचना प्रामाणिक होती है। दोस्तों, एक बात और समझने लायक है कि यह जो राजपत्र है वह दो रूपों में उद्घाटित है या इसके दो भेद हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारत का राजपत्र जिसके नियंत्रण और निर्देशन में प्रकाशित होता है उसे राष्ट्रपति कहते हैं, यानी राष्ट्रपति महोदय की आज्ञा से ही भारत का राजपत्र प्रकाशित होता है। और राज्य का राजपत्र राज्यपाल की आज्ञा से प्रकाशित होता है। इसका अर्थ है कि जब भी कोई अधिसूचना जारी होगी यानी सरकारी पत्र या कार्यालयीय पत्र का वह हिस्सा जिसे हम लोग अधिसूचना कहते हैं, या तो वह राष्ट्रपति के आदेश से आज्ञा से जारी होगी या फिर राज्यपाल के आदेश से। यदि मामला भारत के राजपत्र का है, भारत सरकार का है, तो आज्ञा होगी राष्ट्रपति की, और यदि राज्य का मामला है तो राज्यपाल की आज्ञा से अधिसूचना प्रकाशित होगी, जारी होगी। चूंकि अधिसूचना में राज्यपाल या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जगह सचिव या संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर किए जाते हैं, अर्थात राष्ट्रपति और राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करते किंतु आज्ञा इन्हीं की रहती है, ऐसे में अधिसूचना में जो हस्ताक्षर है दोस्तों वो हर हाल में किसी सचिव या संयुक्त सचिव या उप सचिव रैंक के अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। किंतु हस्ताक्षर के ऊपर अधोलेख में लिखना होता है आज्ञा से, और तब अधो हस्ताक्षरी जो सचिव उप सचिव है उसके हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि यह एक ऐसा सरकारी पत्र है जो पूरी तरह औपचारिक है, पूरी तरह शासकीय है, इसीलिए इसमें कुछ बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। जो सबसे पहली बात है कि
कि इसके जो शब्द होंगे हर हाल में पारिभाषिक शब्द होंगे, यानी आप आम बोलचाल के शब्दों का इसमें प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे एतद के द्वारा सूचित किया जाता है, या राष्ट्रपति के आदेश से यह बात जारी की जाती है, या सेवा में इस प्रकार के शब्दों का ही प्रयोग कर सकते हैं। इसमें प्रिय, आदरणीय, भौदीय, आपका, स्नेहाकांक्षी जैसे आम बोलचाल के शब्द बिल्कुल नहीं रहते। ऐसे शब्द सिर्फ अर्ध सरकारी पत्र में होते हैं। तो पहली बात कि चूंकि यह राष्ट्रपति और राज्यपाल के आदेश से अधिसूचना जारी होती है, राजपत्र में अधिसूचना जारी होती है, इसीलिए इसके शब्द पारिभाषिक शब्द होते हैं। चूंकि राजपत्र में यह सरकारी पत्र प्रकाशित होता है, इसलिए दूसरी बात कि हर हाल में इसकी जो भाषा होती है दोस्तों, राजभाषा होती है। राजभाषा दो ही है, अंग्रेजी और हिंदी, यानी अधिसूचना दो ही भाषाओं में जारी की जा सकती है, अंग्रेजी में, हिंदी में, पारिभाषिक शब्दों के साथ। दोस्तों, चूंकि राष्ट्रपति की आज्ञा से बात जारी की जाती है या राज्यपाल के, इसलिए सचिव यह नहीं कह सकता कि मैं आज्ञा देता हूँ। यानी इसमें उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष शैली के लिए कोई जगह नहीं होती दोस्तों। जो तीसरी बात है कि अन्य पुरुष शैली में हर हाल में अधिसूचना जारी होती है। ध्यान से सुनिएगा, पहली बात कि जो अधिसूचना का मामला है उसके शब्द पारिभाषिक होंगे, दूसरी बात उसकी भाषा राजभाषा होगी, तीसरी बात अन्य पुरुष शैली की होगी। दोस्तों, जो चौथी बात है कि जब भी कोई अधिसूचना प्रकाशित की जाती है तो यह ध्यान रखा जाता है कि राजपत्र भारत का है या राज्य का है। यदि दोस्तों भारत का राजपत्र है तो हर हाल में अधिसूचना में जो ऊपर लिखते हैं वह भारत का राजपत्र लिखते हैं। यदि दोस्तों अधिसूचना राज्य सरकार से जुड़ी है, राज्यपाल से जुड़ी है, तो हर हाल में ऊपर राज्य का राजपत्र लिखते हैं। दोस्तों, अधिसूचना लिखते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अधिसूचना राजपत्र के किस भाग का विषय है, यानी उस भाग की संख्या की भी चर्चा अनिवार्य होती है, और साथ में भाग के उपभाग या अनुभाग की चर्चा भी अनिवार्य होती है। अर्थात अधिसूचना तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश से जारी की जाती है, किंतु हस्ताक्षर करने वाला सचिव रैंक का कोई अधिकारी होता है। जब अधिसूचना लिखी जाए तो उसकी जो सूचना है वह राजपत्र के किस भाग से जुड़ी है, उसका संबंध किस अनुभाग या उपभाग से, इस बात की भी चर्चा अनिवार्य है। दोस्तों, अधिसूचना नामक सरकारी या कार्यालयीय पत्र में शीर्षक लिखा जाना आवश्यक है, इसलिए इस पत्र में इस बात की भी यह अनिवार्यता पड़ती है कि शीर्षक को लिखा जाए। जैसे पत्र के मध्य में अधिसूचना लिखना अनिवार्य होता है, साथ ही अधिसूचना का पत्र क्रमांक क्या है इस बात की भी चर्चा हो, साथ ही किस दिनांक को अधिसूचना जारी की जा रही है इसकी भी चर्चा आवश्यक है, किस कार्यालय से, किस सरकार से और किस स्थान से अधिसूचना जारी की जा रही है यह भी चर्चा अनिवार्य रूप में की जानी चाहिए। दोस्तों, सरकारी पत्रों की अपनी एक पहचान होती है,
कि जब भी ऐसे सरकारी पत्र जारी किए जाएं, यह ध्यान रखा जाए कि क्या ऐसे सरकारी पत्र जिस व्यक्ति को भेजे गए उनके अलावा कुछ और अधिकारियों की जानकारी के लिए, उनकी सूचना के लिए, उनकी कार्रवाई के लिए ऐसे पत्र को भेजा जाना है। यदि जिस अधिकारी को या जिस विभाग को या जिस अधिकारी विशेष के लिए ये अधिसूचना जारी होती है, लगभग कहें, अनिवार्य रूप में कहें कि उसकी जो प्रतिलिपि है, पत्र का जो जेरोक्स है या उसकी जो छाया कॉपी है, वह कई अन्य अधिकारियों को भी भेज दी जाती है, उसे प्रतिलिपि और प्रस्थांकन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इंडोर्समेंट कहते हैं। तो यह भी ध्यान रखना है कि जो अधिसूचना है उसमें नीचे प्रतिलिपि और प्रस्थांकन की भी चर्चा अनिवार्य रूप में की जाए कि मुख्य अधिकारी यानी जिसे अधिसूचना भेजी गई उसके अलावा आवश्यक कार्रवाई और सूचना के लिए किन अधिकारियों को इसकी कॉपी भेजी जा रही है। तो उनके नाम होंगे सेवा में मुख्य सचिव, सेवा में सचिव कार्मिक विभाग, सेवा में मुख्य सचिव भविष्य निधि विभाग। तो जिन अधिकारियों को भेजी जा रही है उसकी कॉपी, उनकी भी चर्चा आवश्यक है, और साथ में हस्ताक्षर यह लिखते हुए कि आज्ञा से, यदि भारत का राजपत्र है तो राष्ट्रपति की आज्ञा से, राज्य का राजपत्र है तो राज्यपाल की आज्ञा से, और नीचे अधो हस्ताक्षरी यानी सचिव के हस्ताक्षर, और इसके साथ अधिसूचना का प्रारूप तैयार होता है। यानी किसी अधिसूचना के प्रारूप में कुछ खास बातों को ध्यान रखा जाता है। क्या क्या? कि क्या वह भारत का राजपत्र है तो लिखेंगे, क्या वह राज्य का राजपत्र है तो इसकी चर्चा करेंगे, भाई राजपत्र के किस भाग और किस अनुभाग की सूचना है उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, शीर्षक जरूर लिखेंगे, पत्र क्रमांक दिनांक की चर्चा करेंगे, कार्यालय और स्थान की चर्चा करेंगे, प्रतिलिपि पृष्ठांकन की चर्चा, और फिर अधो हस्ताक्षरी यह लिखते हुए आज्ञा से। दोस्तों, अधिसूचना को हम और आप समझने की कोशिश की अब तक कि ये है क्या कि किसी भी राजपत्र में प्रकाशित होने वाले सरकारी पत्र को ही अधिसूचना कहते हैं। जाहिर सी बात है कि अधिसूचना में चार प्रकार के मामले होते हैं। क्या क्या? किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले अधिसूचना में, राष्ट्रीय आपात की सूचना भी अधिसूचना के माध्यम से, राष्ट्रीय शोक की भी सूचना अधिसूचना के माध्यम से, और जो चौथी बात है, कोई अधिनियम यदि पारित किया जाए या कोई अधिनियम की सूचना दी जाए तो वह भी अधिसूचना से। दोस्तों, इसका प्रारूप कैसे तैयार किया जाता है? क्योंकि जो हमारी परीक्षाएं हैं उसमें प्रारूप पूछा जाता है टेबुलर फॉर्म में, कि भाई सबसे पहले किसका प्रयोग हो, किस नंबर पर क्या आए, मध्य में क्या आए, बाईं ओर क्या आए, दाईं ओर क्या आए। तो आइए अधिसूचना प्रारूप को हम लोग देखने की कोशिश करें कि किसे कहते हैं अधिसूचना प्रारूप। दोस्तों, अधिसूचना लिखते समय या किसी भी सरकारी पत्र को प्रारूप बनाते समय याद रखिए, जो पत्र का आकार प्रकार है उसे तीन खंडों में विभाजित मान लिया जाता है। एक को कहते हैं बाईं ओर, एक को मध्य भाग कहते हैं, और एक को दाईं ओर कहते हैं। ये तीन भाग है कि मध्य भाग है, बाईं ओर का हिस्सा है, दाईं ओर का हिस्सा है। अधिसूचना में दोस्तों सबसे ऊपर मध्य भाग में याद रखिए
यदि अधिसूचना भारत सरकार से जुड़ी है, राष्ट्रपति की आज्ञा से प्रकाशित है, तो हर हाल में सबसे ऊपर भारत का राजपत्र लिखेंगे, यानी एक नंबर पर मध्य भाग में सबसे ऊपर। यदि मामला दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना के पारित होने का है, राज्यपाल की आज्ञा से यदि अधिसूचना पारित है, तो फिर ऊपर राज का यानी राज्य का, जैसे राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का राजपत्र यह लिखेंगे। अभी हाल में आप लोग उत्तर प्रदेश की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो वहाँ लिखना होगा उत्तर प्रदेश का राजपत्र। दोस्तों इसके ठीक नीचे जिस कार्यालय से, जिस विभाग से अधिसूचना जारी की जा रही है, उस विभाग का नाम देंगे। उसके नीचे दोस्तों सरकार का, यदि उत्तर प्रदेश का मामला है तो उत्तर प्रदेश सरकार, यदि भारत का मामला है तो भारत सरकार, राजस्थान का मामला है तो राजस्थान सरकार, एमपी दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश सरकार, और ठीक इसके नीचे दोस्तों स्थान लिखेंगे, यानी जो पहली जानकारी है मध्य भाग में लिखेंगे, यदि भारत सरकार का राजपत्र है तो भारत का राजपत्र, यदि किसी राज्य का राजपत्र है तो राज्य का नाम, उत्तर प्रदेश का राजपत्र, मध्य प्रदेश का राजपत्र, फिर विभाग लिखेंगे, फिर सरकार और नीचे स्थान लिखेंगे। दोस्तों इसके ठीक नीचे शीर्षक लिखेंगे अधिसूचना, क्योंकि यह शीर्षक जरूरी है। जाहिर सी बात है कि अधिसूचना पूरी तरह से सरकारी या कार्यालयीय पत्र है, या इसको कहें कि पूरी तरह शासकीय पत्र है, पूरी तरह औपचारिक पत्र है, इसलिए इसमें शीर्षक की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों उसके पश्चात आप इसमें पत्र क्रमांक बाईं ओर लिखेंगे। पत्र क्रमांक लिखने का अंदाज होता है, जैसे मान लीजिए अधिसूचना को शॉर्ट करें, अ सु प क्र, अधिसूचना पत्र क्रमांक इस अंदाज में लिखते हैं। इसको लिखने का भी तरीका है, जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ष है, तो जैसे 2020 है, 2020 104 सौ द, ये फाइल संख्या है, लेजर संख्या है, इसीलिए इसमें कुछ बातों की चर्चा करते हैं। किस वर्ष का पत्र है, उसका क्रमांक क्या है 104, किस सेक्शन का है, किस फाइल का है, किस लेजर का है। ठीक दोस्तों इसके सामने दाईं ओर दिनांक लिखते हैं। दिनांक लिखते समय भी कोशिश की जाती है कि सबसे पहले आंकड़े लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आज जो तारीख है 20 नवंबर 2020, तो अधिसूचना पत्र का क्रमांक क्या है यह बाईं ओर लिखेंगे, फिर ठीक इसके सामने दिनांक लिखेंगे। दोस्तों इसके नीचे विषय लिखते हैं कि किस विषय को ध्यान में रख करके अधिसूचना जारी की गई है, यदि वह पदोन्नति का मामला है, यदि वह ट्रांसफर का मामला है, यदि वह राष्ट्रीय आपात या शोक का मामला है, किसी अधिनियम के पारित होने का मामला है, तो उस विषय को लिखेंगे। इसके पश्चात दोस्तों ठीक इसके नीचे मध्य भाग से पत्र का मुख्य भाग लिखा जाता है, और पत्र का मुख्य भाग यानी जो जिस पर अधिसूचना जारी की गई है
उसकी चर्चा करने के लिए कि राजपत्र के भाग और अनुभाग की का उल्लेख करते हुए कि अमुक भाग के अमुक अनुभाग के माध्यम से यह अधिसूचना या यह सूचना जारी की जाती है। अब जो पूरा मामला है उसको लिखने के पश्चात ठीक दाईं ओर जहां पत्र खत्म हो आज्ञा से, क्योंकि अधिसूचना की आज्ञा या तो राष्ट्रपति दे सकता है यदि भारत के राजपत्र की अधिसूचना है, या यदि राज्य का राजपत्र है तो राज्यपाल। इसीलिए यह लिखना जरूरी है क्या, आज्ञा से, और फिर इसके नीचे दोस्तों हस्ताक्षर, चाहे वह सचिव का हस्ताक्षर हो, संयुक्त सचिव का हस्ताक्षर। ठीक जहां हस्ताक्षर करता है अधिकारी, उसी के सामने बाईं ओर प्रतिलिपि और पृष्ठांकन लिखते हैं। तो प्रतिलिपि और पृष्ठांकन एंडोर्समेंट का अर्थ होता है, उसमें लिखते क्या है दोस्तों, देखिए आपको बोर्ड नहीं दिख रहा होगा इसीलिए नीचे की बात मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ये जो नीचे की बात है वो ऊपर लिख रहा हूँ। प्रतिलिपि और पृष्ठांकन में लिखते हैं आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु कि भाई किन लोगों को इस पत्र की या इस अधिसूचना की और जानकारी देनी है, उनके जेहन में ये बात पहुँचे और क्या इस पर उनकी ओर से कोई कार्रवाई होनी बाकी है। तो इसीलिए प्रतिलिपि और पृष्ठांकन जारी करते हैं, अंग्रेजी में इसे इंडोर्समेंट कहते हैं, प्रतिलिपि और पृष्ठांकन को इंडोर्समेंट। तब इसमें लिखते हैं भाई क्या क्या, सेवा में मुख्य सचिव, सेवा में संयुक्त सचिव, मान लीजिए कार्मिक विभाग को एक प्रतिलिपि भेजनी है, मान लीजिए गृह मंत्रालय को एक प्रतिलिपि भेजनी है, फर्ज कीजिए कि मुख्यमंत्री कार्यालय को एक प्रतिलिपि भेजनी है, प्रधानमंत्री कार्यालय को, तो जिन जिन कार्यालयों को, जिन जिन अधिकारियों को ये भेजी जानी है प्रतिलिपियाँ, उनकी भी चर्चा की जाती है। तो ये है दोस्तों अधिसूचना का एक प्रारूप। याद रखिए हम लोग कई किताबों को फॉलो करते आए, कई बार हम लोग कुछ गाइड भी फॉलो कर लेते हैं, बेहतर है कि आप इधर उधर ना भटक करके डॉक्टर हरदेव बाहरी की जो पुस्तक है राजकाज में हिंदी, उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि वो अब तक मानक है इस मामले पर, सरकारी पत्रों को लेकर के, कार्यालयीय पत्रों को लेकर के। उस पुस्तक में आप देखेंगे कि इसी प्रारूप का निर्वाह किया गया है। या यदि मान लीजिए कि कोई आपकी जान पहचान का किसी सरकारी विभाग में कोई उच्च स्तरीय या कोई वरिष्ठ अधिकारी ऐसा है या शीर्षस्थ पद पर कार्यस्थ है, तो ऐसे कार्यरत किसी अपने परिचित से एक आप प्रारूप मांग लें, एक छाया कॉपी मांग लें कि भाई इस तरह की जो अधिसूचना है या इस तरह के सरकारी पत्र कैसे जारी किए जाते हैं, तो वो भी ऑथेंटिक होगा। यदि कुछ नहीं तो डॉक्टर हरदेव बाहरी को फॉलो करें, या फिर अगर आपके पास कोई सोर्स है तो वहाँ से मंगा करके देखें, क्योंकि आप देखेंगे कि अलग अलग जगह अलग अलग प्रारूप हैं। मेरे साथ भी दिक्कत आती है कि कई बार मैं देखता हूँ कि भाई एक बार एक प्रारूप आया, दूसरी बार कोई किताब पढ़ के पढ़ाया बच्चों को तो एक दूसरा प्रारूप आ गया। अब समस्या तो गंभीर होनी ही है, क्यों, क्योंकि हम लोग ऐसे विभाग में बैठे नहीं हैं, और जो विभाग में वाकई बैठे हैं उनको अधिसूचना लिखाने नहीं आए, क्योंकि उनको क्या मालूम बीच में क्या डालेंगे किनारे, वो सरकारी अधिकारी भर हैं। ये वास्तव में अधिसूचना क्लर्क या लिपिक का काम है, कहाँ कहाँ प्रारूप में किन किन चीज़ों को डालें। तो इसीलिए एक छोटी सी आपके लिए सलाह है कि आप डॉक्टर हरदेव बाहरी को भी फॉलो करें, या बेहतर है कि मुझे आप सुनते रहें, देखते रहें, ढंग से सीख जाएंगे। तो अगली क्लास तक प्रतीक्षा करें, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं, नमस्ते।